ठीक है, हमारी अम्मी ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है। आज हमने शूट करना है एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का चैलेंज। ओह माय गॉड, ये तुम्हें कहाँ से मिल गई ये हथकड़ी? बेटा बड़ी महंगी मिली है, तुम्हारी शक्ल से महंगी हथकड़ी। नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे, अभी थोड़ी देर तक चलेंगे। ज़िक्रिया, 15 मिनट हो गया, कितना वॉशरूम है जो खत्म ही नहीं हो रहा। अंकल को भी बताओ हमारा यूट्यूब चैनल है, अंकल सब्सक्राइब करें। इस अभी का सीन ये है कि पट्टी हमने करवा ली है लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है। हम हाँ जी, तो मैं जा रही हूँ दोबारा से। Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आप सबके साथ प्रॉमिस किया था कि भाई अब से मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करने स्टार्ट कर दूंगी। पसीना मुझे इसलिए इतना ज्यादा आया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है और मैंने आप लोगों को आवाज क्लियर आ सके इसलिए पंखा भी बंद कर दिया है। और भाई बिजली का बिल आजकल इतना ज्यादा आ गया ना कि मुझे अपने अब्बू के साथ फुल हमदर्दी है, इसलिए भाई मैंने एसी भी बंद किया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बच्ची सो रही थी तो मैंने एसी चलाया हुआ था लेकिन अब मैंने एसी बंद किया हुआ है। खैर, कुछ दिनों से व्लॉग्स इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि भाई आपको पता है मई का मंथ चल रहा है और ये होता है फाइनल्स का मंथ। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत के लिए परेशान नहीं होना, तबीयत वगैरह मेरी बिल्कुल सेट हो चुकी है लेकिन मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा टाइम दे रही हूँ यार। कभी कभी ना सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रह के इंसान को खुद को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है? तो बस इसी वजह से खुद को थोड़ा सा टाइम दे रही थी और थोड़ा सा मसरूफ थे और मई का मंथ चल रहा है और अब आ गए हैं खैर से मेरे फाइनल्स। नेक्स्ट वीक से मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं तो उसकी वजह से अगर व्लॉग्स थोड़े से लेट हो जाएं, डिले हो जाएं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना क्योंकि 1 वीक की ऑलमोस्ट फाइनल्स हैं और 1 वीक प्रिपरेशंस का तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स। उसके बाद तो भाई मैंने कोशिश करनी है कि वेकेशंस में तो डेली व्लॉग्स ही आया करें क्योंकि वेकेशंस में और काम क्यों होना है। लेकिन खैर, वेकेशंस में 1-2 काम मैंने मस्ट करने हैं। अभी खैर बाहर चलते हैं, लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? सारे घर की लाइटें ऑन कर दो। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि बिजली की बचत कर रही हूँ लेकिन अब मैंने सारे घर की लाइट्स ऑन कर दी हैं, बिजली की बिल्कुल बचत नहीं करनी है। और अभी मैंने आप लोगों को एक और बात बतानी थी कि हमारी अम्मी ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है। आप लोगों को पता है हमारे लास्ट व्लॉग में हमने आप लोगों को एक अपने छोटे से प्यारे से मेहमान से मिलाया था, हमारे जिगर का टोटा, हमारे घर का एक नया फर्द, हमारा प्यारा, हमारे दिल का टोटा शेरू। कहाँ है शेरू? आप हमारे फैमिली को बताना चाहेंगी कि शेरू किधर है? मैंने किसी को देखा। खैर से आप लोगों ने अगर हमारा पुराना व्लॉग नहीं देखा तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि ये याद है आप लोगों को जगह अभी तक। ये शेरू की कटोरी, इसी में शेरू पानी पिया करता था। मैं पर्सनली कैट्स से इतनी ज़्यादा अटैच्ड हूँ ना, सिर्फ घर की कैट्स नहीं, जो घर में लोग घर में बिल्ली पालते हैं उससे अटैच हो जाते हैं। मैंने तो बाहर भी इतनी सारी बिल्लियाँ पाली हुई हैं, हमारी तो मोहल्ले की इतनी सारी बिल्लियाँ आती हैं खैर से हमसे मिलने जुलने के लिए। अभी आई हुई हैं कि नहीं? अगर आई मैं आपको दिखाती हूँ अभी, भाई मेरे ख्याल से तो अभी आई होंगी, आप देख सकते हैं हमारी तो मोहल्ले में इतनी बिल्लियाँ आती हैं यहाँ पे हमारे बैकयार्ड में। तो खैर से हम तो बाहर की बिल्लियों से इतने अटैच हैं। शेरू को ना, अब मैं आप लोगों को ना तफसीलन बताती हूँ, शेरू को एक बहुत ही अच्छी फैमिली मिल गई है। खैर से उसको बहुत अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और शेरू बहुत खुश थी। उस फैमिली के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आए, उन्होंने हमें रीच आउट किया, हमने उनको शेरू दे दिया और शेरू बहुत खुश है। अगर हमारा उनके घर चक्कर लगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं शेरू के कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अभी मैं इस व्लॉग में ऐड कर दूँगी, जिन्होंने अभी लास्ट व्लॉग नहीं देखा वो जाके देखें कि शेरू किधर है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ज़िक्रिया किधर है। ज़िक्रिया क्या कर रहे हो तुम?
उठ जो। मैंने ये कहा कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, तुम तो व्लॉग बना सकते हो ना। मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, कोई बकवास ना कर। पबजी के एग्जाम्स चल रहे हैं, ये हर वक्त पबजी खेलता रहता है। इतना किस लड़के को शौक है ना पबजी खेलने का, हर वक्त पबजी 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 खेल लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने भी मान जाऊँ, मैं भी एंड में मान जाऊँ, तो देखते हैं दो दो गन्ने ले आते, देखते हैं कौन पहले किसे मारता। इसको इतना क्रेज है ना पबजी का। तुम अपनी पबजी की आईडी ना एक काम करो, इसमें ब्लॉग में बता दो, जिसने तुम्हारे साथ पबजी खेलनी हो ना वो तुम्हारे साथ पबजी खेल ले। बच्चों के साथ में पबजी नहीं खेलता, बड़ों के साथ खेलता हूँ, बड़ा है तो बताए। रात के टाइम पे ना इस तरह मेरे दिमाग में, एक दफा तो मैं रात को सोई हुई डर गई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसी ने मुझे गोली मार दी है। कोई सेंस है इस बात की? ये और मैं एक ही रूम में सोते हैं और मेरे दिमाग में गोलियां बज रही होती हैं। अच्छा यार चल फटाफट आज के ब्लॉग का सीन बता। वो लेकर आ किधर गया? इधर रखा था मैंने। वो बाहर बाहर बरा बाहर से लेके आ, बाहर ड्राइंग रूम में पड़ा। आज हमने शूट करना है एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का चैलेंज। आज का ब्लॉग बहुत जबरदस्त होने वाला है, और वो चैलेंज कुछ इस तरह का है ना, अभी हम आपको एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का हिंट देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। यार सोफे की साइड पे रखा है मैंने, ये बड़े वाले सोफे की साइड पे, ये ले आ ले आ ले आ। तो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का व्लॉग है ये, मैं बिजली की बचत कर रही थी। ये पापा अगर आप व्लॉग देख रहे हैं ना तो ये देखें, ये इस लड़के ने आपके बेडरूम के अंदर चेक करें एसी कितने पे चल रहा है, और ये कमरे में बाबा कोई भी नहीं है, इस रूम में कोई भी नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि इस लड़के ने एसी कितने पे चलाया हुआ है। ये मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। खैर जिक्रिया आ जा यार, पता नहीं क्या करता रहता है, पता नहीं भाई क्या कर रहा है। कह रहा भाई ना आना, कह रहा भाई ना आना। पापा के बेडरूम में सुराख कहाँ से हो गया मुझे समझ नहीं आती, ये दरवाजे में सुराख किसने कर दिया? ट्रू लगता किसी ने लकड़ी उतार दिया। यार आजो, ओ माय गॉड, ये तुम कह, तुम्हें कहाँ से मिल गई ये हथकड़ी? बेटा बड़ी महंगी मिली है, तुम्हारी शक्ल से मैं भी हथकड़ी है, तुम्हें तरीका पता? तो आज के ब्लॉग का हिंट ये है, ये हथकड़ी। तो आज हम लोग करने वाले हैं हैंड कफ चैलेंज। आज का ब्लॉग है हैंड कफ चैलेंज। आज मैं और जिक्रिया अपने हाथ बांधेंगे, और जो किसी दूसरे बंदे को कन्विंस करेगा ना कि वो पहले अपने हाथ खुलवा ले, दूसरा बंदा ये दूसरा चैलेंज जीत जाएगा। देख खुलवाने पहले तो नहीं है, पता तुझे भी है किसी तो फुटबॉल में ब्लॉग में आ रहे, कोई और कंटेंट निकालते हैं, छोड़ दे। देख आज मैंने नहीं खुलवाना, आज मैंने तुझे इतना मजबूर कर देना कि तू खुलवा। बस शुरू हो गया, शुरू हो गया, शुरू हो गया ये ब्लॉग। अब बाकी का मामा शूट करेंगे, और अब ये चैलेंज यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। ये प्रैंक ये चैलेंज बड़ा लंबा, क्योंकि मैंने हार मान लेनी, और इसे मैंने 5-10 मिनट में हार मनवा लेनी है। तो फाइनली ये चैलेंज यहीं से स्टार्ट होता है। हिप हिप हुर्रे। तो गाइस फाइनली हथकड़ी बन चुकी है, इसने मजबूरन मेरे से माफिया मांग के हथकड़ी खुलवानी है। ठीक है ना, कोई माफिया नहीं। और इसकी ये देखिए, इसकी ये हथकड़ी है, बड़ी महंगी लेके आए। देखें इसकी यहाँ चाबी भी लग गई, चाबी के बगैर नहीं खुलती है। चाबी भी इसकी इधर ही कहीं पड़ी हुई है, मैं आपको लेके आया। चाबी घुमा दी है तुमने? अभी नहीं जा रहे, अभी थोड़ी देर तक चलेंगे। जिक्रिया 15 मिनट हो गया, कितना वॉशरूम है जो खत्म ही नहीं हो रहा। दरवाजा बंद कर दो। अपना मैं तो रहा, दिल कर अभी मैंने बाहर भी जाना, मैंने ना चीज लेने जाना है अभी बाहर, तो पता नहीं कैसे जाते हैं हम। शेड्यूल अभी चीज, अब मेरी बात सुनो, मैंने भी कहीं जाने हैं। सही, तुम्हारे सारे ये नहीं जाने हैं। मैं भी सोच रहा, लेकिन अभी फिलहाल मेरी मर्जी, देखो मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। अब मेरा क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा है, यू नो।
खड़ी क्या रहो, मैं भी ऊपर आके बैठूंगी। क्या आवाज, आहिस्ता करके फोन इस्तेमाल करो। आज मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी जाऊँ। ये तुम्हारी मर्जी नहीं, ब्लॉग मेरा भी शूट हो रहा है। मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम मेरे से बाहर जाके छोले की रेडी निकालो। तो ब्लॉग मेरा भी शूट हो रहा है, मेरी भी मर्जी से कुछ करो। एक काम, मैं नहीं तुम्हारी मर्जी से कर सकता। जिक्रिया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक काम तुम्हारी मर्जी का होगा मामा, एक काम मेरी मर्जी का होना चाहिए। इस तरह करके ब्लॉग शूट होना चाहिए। 100 काम मेरी मर्जी का होगा तो एक काम नहीं, एक एक करके करो ना। ये खोल दे भगवान का, खोल दे, खोल दे। माफ करिए यार, यार चुप करके बैठ जाए यार। मेरे पानी पीने जाना, चलो। मैं तो इधर ही बैठ, तू जाके दिखा मुझे। मुझे क्या करना, अब मैं भी इधर ही बैठूं। ठीक है, अब बैठ रहे। मैं तो वेला तेरी ना, मैं बस सुन ले मुझे। 4000 इयर्स लेटर। जिक्रिया तुम उठ जाओगे, मैंने बाहर जाना है। जिक्रिया ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया, तुम उठ जाओगे, मैंने बाहर जाना है। यार तुम क्यों तंग कर रही हो, तुम्हें ज्यादा तक आएगा, खोल दो ये। जिक्रिया मैंने उठो, मैंने बाल ब्रश कर। नहीं मैं नहीं बैठा, सॉरी मुझे भी कहते नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं, थोड़ा रेस्ट कर। जिक्रिया मैंने उठो, मैंने बाल ब्रश कर। हां तुम्हारा करना है, मेरा नहीं करना, क्योंकि उस साइड दम हो। जिक्रिया मैंने लोशन लगाना है, मैंने बाल ब्रश कर। चलो जाओ लगा के आओ, फिर तारा से जाओ लगा के। जिक्रिया आप उठ जाओगे, मैंने लोशन लगाना है। मेरी कोई तो चीज आप करो, अगर मैं आपके साथ वॉशरूम गई हूँ, यहाँ बैठी रही हूँ आधे घंटे से, तो अब आपका भी कोई। चलो उठो, मैंने लोशन लगाना है। क्या किया प्रोग्राम तो बढ़ गया, वाह क्या सीन है। बंद कर देखो मम्मा, हाथ करी मम्मा, ये क्या हुआ? हाथ करी ने प्रोग्राम मार दिया हमारा, हाथ करी टूट गई है हमारी। यार एक मिनट से बंद कर, इधर आना है। यार प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम जारी रहा कि खत्म हो गया। तो फिर मैच यही पे न्यूट्रल होता है, वो क्या होता है? मैच चंड मारनी है मेरी तरफ से दोबारा, हुई है कि दीदी हुई यार। वो मैच क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है मैच, क्या होता है जब दोनों टीमें वो हो जाती हैं? वो होता है टीम अप, टीम अप नहीं, वो जब दोनों वो हां टीम अप होता है, वो हो गया मैच ड्रॉ हो गया। नहीं तुम तो पेंडू हो ना, बीबी तुमने खाते में किया, कुकू खाते में किया, बाहर डाल रहा हूं, चले गिर गिर काम दो प्रिया की दुकान पे, तुम जाकर कटिया बेच देना। मैच न्यूट्रल, हां मैं न्यूट्रल हो गया, बाहर जाकर तुम वहां पे जाकर बिठे कर दो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, वहां जाकर तुम वहां पे क्या दाने की रेडी लगा दो, दाने की दुकान खोल दो। चलो इधर आओ, बकवास बंद करो, चलो मैं लोशन लगा सी। क्या एक काम तो मेरे, चलो यार सामी इधर अपना हेयर स्प्रे ले लो। अभी कल नहाई ये ना कर, मैं हाथ करी ना टूट गया। ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, मम्मा को बताओ मुझे तुम्हारे फोन पे किसके मैसेजेस आते हैं। एक ही काम तो इसमें अच्छा हो रहा है कि मैं मम्मा को ये बता सकूंगी कि इसके फोन पे किसके मैसेजेस आते हैं। लाइट ऑन करो, किचन में मैं कुछ खाने के लिए बनूं। हां अब बच्चियां की नहीं बालड़ियां, आज परसों मैं 3000 का देख के सारा कुछ सही कराया।
ओहो प्राइवेसी खुल गई, मम्मा के गोश्त खुल गए। ओहो समझ नहीं आ रही यार मैं क्या करूं, यार मैं कह दूं तुम्हारे साथ मैं क्या करूं। आगे पीछे मेरे को यार वो पबजी खेलते हैं का हाथ से आई यार, तो बैग लेके मैं पबजी खेलने चलता। अभी मैं कुछ खाने है, अभी मैं यहां से ले लो खाओ, अभी मैं यहां से नहीं जा सकती। अभी मैं सोच रही हूं कि मैं कुछ खाऊं। हां सोचो। हां तो अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा तंग करना चाहती हूं। तो फाइनली इधर आ जाइए, एक बड़ा जरूरी काम है मुझे याद आ गया। मैंने भी याद आ गया सर। मामा जी वो शॉपर किधर है? शॉपर मैं अंदर से लेती हूँ। मोबाइल नहीं तो आ जाए। ओए ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, तुम साफ कर दो। इसका एक तकनीक है मेरे भाजी फनकार बन रहे हैं तो बंद हो गया मेरा। अब जो है हम मफिन का लीटर साफ करेंगे। बैठ जाओ। एक ये जिक्रिया आपको बिल्कुल नहीं पसंद, तो जिक्रिया आप कैसा फील कर रहे हैं? जिक्रिया आप कैसा फील कर रहे हैं? वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी। ये देख रहे हैं आप मफिन आजकल कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट मोशंस कर रही है। आप ये देख रही है कि ये केक कितना अच्छा है। कोई बात नहीं, 50 रुपए का केक तो मैं वो ले आऊंगी। मफिन को आजकल बहुत लूज मोशंस हो रहे हैं। तो मुझे भी हो रहा है, तो बगैर तुम्हें ला दे दो खा लो। डिलीशियस। अब मेरा दिल कर रहा है इधर बैठ लेगा। वो टूट जाएगी, टूट जाएगी। इसको फेंक के आना है ना, इसको फेंक के आना। उठ जाए, इसको फेंक कर आना है। अगर आप चाहें तो आप ये खुलवा सकते हैं। तो अब हम इसको बाकी फेंक देते हैं। Very delicious. मेरे हाथ हैं ये वाले गंदे, मुझे इनको वॉशरूम से धोना भी पड़ेगा। आगे होंगे ये टूट जाएगी। आप वॉशरूम में खड़े होकर खा रहे हो? तो ये काम भी खत्म हो गया। आप मुझे कामयाब आ। अब हम लोग चल रहे हैं बाहर। ओके मैं तो हार मानने वाला नहीं। कल सुबह हो जाए इसने हार मान लेनी। इसे मैंने बाहर जाकर इतना सताना ना, फार्मेसियों पे जाकर मैंने कहना भाई देखेंगे कैसे काम गाड़ी हाथ खड़ी लगाई हुई है पुलिस लोने से। मैंने यहाँ बेफिक्र हो जाए, अब देखी खाता हूँ मैं तो बड़ा बुरा आदमी हूँ ऐसी है ना। तो गाड़ी तो आ चुके हैं, इसी गाड़ी पे है, ये हमारी गाड़ी है ना, ये हमारी गाड़ी। आपने हमें YouTube पे सब्सक्राइब किया है? मैंने आपको बताया आपने किया है। आपका कौन सा चैनल है? अरे मेरी। अच्छा तो अब अच्छा मैं पहले सीन दिखा दूं, इधर आओ पहले। शहर चलो यार, इसका ना रास्ते में आते आते ये सीरियस यार, शहर चलो, इसको शहर पागल तुम पट्टी करवाने अच्छा तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हुआ क्या। अभी हमारी आपस में लड़ाई हो गई थी इस वजह से कि अंदर सारे हमें देखने लगे थे कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा बताती हूँ, ये ना क्रिकेट खेलने गया था, सीरियस से कोई नहीं गिरा, ये क्रिकेट खेलने गया था तो इसका बॉल जो हार्ड बॉल था ना वो इसके पैर घुटने पर लग गया हुआ है, और वो इसको ना कल से मस्कुलर पेन हो रही है। इसने पहले तो पट्टी की मस्कुलर पेन हो रही है, इसने पहले भी पट्टी की हुई थी लेकिन वो इसने उतार दी थी, तो अब हम दोबारा पट्टी करवाने आए हैं।
लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज्यादा हो गया है और ये हथकड़ी हम नहीं खोल सकते हैं, इसलिए हम हथकड़ी के साथ ही पट्टी करवाने जहाँ ये जाएगा वहाँ मैंने जाना है। तो पट्टी करवाने आया ये है लेकिन इसके साथ में अभी हम किसी और वाले चलते हैं, यहाँ रश बहुत ज्यादा ही हो गया। हाँ जी तो जा रही हूँ। अच्छा तो जिक्रिया को होती है हेजिटेशन जब मैं बोलती हूँ थोड़ा सा ऊंची, तो अगर जिक्रिया को मुझसे ज्यादा हेजिटेशन है तो जिक्रिया ये खुलवा दे। तो अभी का सीन क्या है, अभी हम यहाँ खड़े होकर कर रहे हैं ब्लॉगिंग, ठीक है, क्योंकि हमारा है एक यूट्यूब चैनल ज़ेड्स डेली व्लॉग्स के नाम से, जिसके ऊपर हम बनाते हैं डेली व्लॉग्स, ठीक है, मेरा और जिक्रिया का। मुझे मेरी पट्टी करा दो हमारा, यार मेरा यही पैर टूटा था। मेरा और जिक्रिया का है एक यूट्यूब चैनल ज़ेड्स डेली व्लॉग्स के नाम से, ठीक है ना, तो उसके अच्छा मेरी बात सुनो, इधर आओ मैं तुम लोगों को एक बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ। अभी ये मेरा पैर मुड़ा ना, ठीक है ना, ये वाला, अभी मैं इस जिराह के पास जाऊँगी इसको साथ वाले के पास, इसको जाके मैंने कहना मेरा ये पैर मुड़ा है, इसके ऊपर हुआ क्या है, इसने मेरा ये पैर मर के ना, ओए बात सुनो, इधर आओ इसने मेरा ये पैर मर के ना, इसके ऊपर कहना इसके टिश्यू फट गए, मेरा पैर दिखाओ, बिल्कुल सही है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी मैं इसके पास जाऊंगी ना, ये कहेगा मैं तुम्हारा पैर टूटा हुआ, पीछे कर रहे हैं वो, कह रहे हैं जिक्रिया साहब पिक्चर लेनी है, मैं कह रहा हूं हमारा चैनल है ज़ेड्स डेली, आप चाहे तो ये खुलवा सकते हैं, ठीक है ना, ज़ेड्स डेली व्लॉग्स मस्ट सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। ये शीशे में आप देख सकते हैं, नहीं नहीं शीशे में मत देखिए प्लीज, शीशा देखना मत, लोग आ गए, तो क्या हो गया, मेरा भी सबर ले, पट्टी कर दो, आप खुलवा के चले जाओ, खुलवा के चले जाओ, पट्टी करा दो, खुलवाओ ये खुलवाओ, जाओ पट्टी करा, बंद कर यार, अभी बंद कर, बहुत हो गया, बाइक बाइक पे बैठ के चलो, हां तो और क्या, पहले जाना है, पैदल ही चलते चलते आगे चले जाते हैं, नहीं नहीं आओ बाइक बैठ, चलो बाइक पे बैठ के चलते हैं, चलो 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 बाइक पे, मत इससे ना मेरा ये बेंड नहीं हुआ जा रहा, तो ये यहां ये चीज नहीं जाती होती, ये मेरा से इतना बेंड नहीं होता, सीधे करो ऊपर, ये नहीं होता, बॉलिंग करता है बैटिंग हार्ड बॉल के साथ, ये चीज नहीं डालता, ये चीज पता नहीं नार पे नार चली क्या भाई, सब भाग भाग भी रहा हूं, तो ये उठा, ये टांग उठा दी, अंकल को सही बताओ बॉल तो नहीं लगी, बॉल लगाया, छोड़ो छोड़ो कोई, मैं जबरदस्ती नहीं, तो नील पड़ा हुआ है अंकल, ये तो नील पड़ा हुआ है, हां नील पड़ा हुआ, ये चीज में सारी मेरे दांत, इसको बॉल लगी है, वो दब दबाई होनी, सुबह से हमने इसको वो गरम वो चढ़ाया था, मैंगनेट, हां जी वो लोग, इसके बाद अंकल ने कहा एक हफ्ता क्रिकेट नहीं खेलना, अंकल कितना अरसा तक क्रिकेट नहीं खेलना, एक हफ्ता नहीं खेला, बस एक हफ्ता नहीं, और एक साल नहीं खेला, दफ्तर तो जा सकता है ना, ये ऑफिस जाए, ऑफिस जाए, बस ये मैं पापा को दिखा देती हूँ, ऑफिस जाए बड़ा बंदा, चलो ये पट्टी हो चुकी है हमारी, चल कितने पैसे हो गए अंकल, अंकल इतनी सी पट्टी का 500 रुपया, अंकल 300 रुपए में करते थे आप मुझे, नहीं अंकल पाँव की पट्टी यहाँ से होती थी, नहीं अंकल इतने कहाँ हो गया, अभी 3 महीने पहले मेरा पाँव टूटा था, 3 महीने में 200 रुपया मर गया, तो मरियम आवाज को कितना कुछ सस्ता करती है, सभी का सीन ये है कि पट्टी हमने करवा ली है लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम पैसे नहीं लेके आए हैं, अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे, तो आज बैठ जाओ, और अंकल मेरे पास कसम से नहीं है, और नहीं पैसे मंगा के दे अंकल को, चवलिया ने मारा कर, किसको फोन कर रहे हैं, हाँ मंगवा जल्दी, मुझे लगा ये लेके आया होगा, बस तो मैंने ये लेके आई होगी, अंकल हम पे ट्रस्ट किया, अंकल ने घर जाके सेंड कर देना, 2 नंबर कोई नहीं लगाने, घर जाके पैसे चेक कर लेना, सारे देना अंकल, ये घर पहुंचते साथ ही आपको जैस कैश करता पैसे, अंकल की शॉप है, जब भी पट्टी कराए अंकल का नंबर लिखा, यहाँ से आया कराए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है अंकल जी, अच्छा मेरी फरारी निकाल दो, तो अभी का सीन है हम घर पहुंच चुके हैं, देख लो इसके हाथ में हथकड़ी बंधी मेरे भी हाथ पे, एक बात तो लोगों को लगता है कि डेली ब्लॉगिंग बड़ी इजी है, ठीक है चैनल में आना हमारा इजी, डेली ब्लॉगिंग बड़ी इजी है, लेकिन डेली कंटेंट पोस्ट करना, डेली का कंटेंट निकालना, कंटेंट हमारे पास बहुत है,
अगले 2 साल भी रहे तो कंटेंट खत्म होने वाला नहीं है। बस कर। नहीं वैसे बात करो, अगले अगर हम 2 साल भी रहे तो हमारा कंटेंट खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन डेली ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है। टाइम निकालना, मैंने ऑफिस होना, इसने यूनिवर्सिटी होना, हाँ किस होना, टाइम बनाना बहुत मुश्किल है। हम पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो अभी का सीन ये है कि रात को हम लोग इतने थक गए थे कि आप लोगों को पता है ये हथकड़ियाँ तो वैसे ही खुल गई रात को, मैं आके हथकड़ियाँ उतार के वो फेंकी। चैलेंज हमारा अप्रॉक्सीमेटली कोई 8 घंटे तक चला, ये कोई छोटी बात नहीं है वैसे 8 घंटे तक चलाना। 8 घंटे तक हमने ये चलाया और अभी इस टाइम पे बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं अभी उठी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी जाना है। ये जनाब यहाँ पे ऐसे घोड़े बेच के सो रहे हैं क्योंकि इसका कोई होश नहीं है। इसके टांगों की पट्टी मैं आपको दिखाती हूँ, चेहरे की टांगों पर अभी तक पट्टी है। तो अब आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। चैलेंज अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमेशा अगर कोई इग्नोर करें सुबह सुबह ऐसी होती है। एंड कीप वॉचिंग अस फॉर अमेजिंग कॉन्टेंट ओनली ऑन ZS ब्लॉग्स।